हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग इंडिया। मैं शेफ शगुन आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे डोसे में स्टफ़ किए जाने वाले मसाला आलू। इनका कॉम्बिनेशन डोसे और सांभर के साथ बहुत अच्छा लगता है। सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और डोसे की रेसिपी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो आइए फिर शुरू करें मसाला डोसा बनाना। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें। तो आइए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। मसाला आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 3 से 4 आलू। इन्हें हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। फिर हम लेंगे 2 से 3 प्याज, इन्हें हमने इस तरह से कट कर लिया था। फिर हम लेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता लीव्स, मेथी दाना 1 टीस्पून, 2 से 3 टमाटर, इन्हें भी हमने ग्राइंड कर लिया था। साबुत धनिया, 2 लाल मिर्च, राई 1 से 2 टीस्पून और सांभर मसाला 1 से 2 टेबलस्पून, नमक। तो सबसे पहले यहाँ हमने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है और गैस को ऑन कर दिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। यहाँ मैंने सरसों का ऑयल लिया है। तो देखिए ऑयल गरम हो गया है। अब हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे राई, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, मेथी दाना और साबुत धनिया। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हींग। फिर इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इसे अच्छे से भूनने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी झटपट रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ऑन कर लें। तो देखिए प्याज भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। यहाँ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए प्याज भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। धनिया पाउडर और फिर आखिर में सांभर मसाला। अब इन्हें अच्छे से मिला देंगे। आप देख सकते हैं मसाला कितना बढ़िया बनके रेडी हो रहा है। फिर हमने इसमें टमाटर ऐड किए थे और फिर इसमें ऐड किए हैं आलू। और अब आलू को इसमें अच्छे से मिला देंगे। तो आप आलू का कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया बन निकल के आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और इसे डोसे के साथ ज़रूर सर्व करें। आप इसे पराठे के साथ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम आलू को अच्छे से भून रहे हैं। तो मसाला आलू सर्व करने के लिए रेडी है।